प्रभु जी, आपसे एक बात पूछनी थी कि हमारे घर में मेरा भाई और मेरे पिता नॉनवेज और ओनियन गार्लिक खाते हैं, तो हमारे घर में शालिग्राम जी को बड़े वाले बट मैं एंड माई मॉम हम ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते, तो उन्हें तो मेरे को दोष तो नहीं लगेगा? अच्छा, आफ्टर एक रूम की ही है वहाँ, प्लीज़ हमारे पास 3 शालिग्राम जी हैं, तो क्या सही है या नहीं, कृपया समाधान करें। देखिए, शालिग्राम में जब आप पाठ कर रहे हैं, जब आप पारायण कर रहे हैं, जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं, जब आप जो भी उनके साथ आप तुलसी मंजरी लगा रहे हैं, बाकी चीजें कर रहे हैं, तब आप और विशेष दिवस पर कोई पूजा पाठ और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही बात है कि उससे उठने वाली दुर्गंध किसी डिफरेंट तरह की एनर्जीज को आमंत्रित करती है, लेकिन कभी कभी वो एनर्जीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो गार्लिक और प्याज खाने से कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होते, आप धर्म की कोई हानि नहीं होती। हाँ, लंबी सीटिंग, लेकिन आप लंबी सीटिंग करते कितने लोग हैं? जिस समय नियम बना उस समय आदमी का काम ही पूजा पाठ करना था बस। जब ये इसका वर्णन किया गया पारसा संहिता में और जैमिनी संहिता में 5000 साल पहले, आदमी के पास कुछ काम नहीं था, आधे से ज्यादा जनता बैठकर परमात्मा की पूजा पाठ करती थी। तो जब सारे दिन ही पूजा पाठ करना था तो आदमी को लगा कि उससे दुर्गंध आती है, गैसेस बनती हैं, तो बार बार आसन अशुद्ध होता है, या आपके मुख से जो डकारें आती हैं या किसी तरह की दुर्गंध आती है, उससे कुछ मंत्र ऐसे हैं खासतौर से वैदिक जिनमें वो दोष पैदा हो जाता है। और कोई इसका नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ कामों में तो लहसुन और प्याज बड़ा उपयोगी और बड़ा लाभकारी है। और लहसुन और प्याज के खाने से केतु की और राहु की कुछ स्थितियां भी बहुत बेहतर होती हैं, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, चरक संहिता भरी पड़ी है, उसके बड़े लाभ हैं। हाँ, अगर जिस दिन आप अग्निहोत्र कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रयोग ना करें, लेकिन बाकी दिनों में आप छोटा मोटा प्रयोग कर सकते हैं। घर में रखने से कोई दोष नहीं है, कोई खा भी रहा है घर में तो भी कोई दोष नहीं है। आप शालिग्राम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में 18 पढ़िए ना आप, 17वां अध्याय और 16वां 17वां 18वां तीनों अध्याय पढ़िए गीता के, उनमें स्पष्ट रूप से भगवान श्री ने वर्णन किया है कि किस व्यक्ति का क्या खान पान है और किस आदमी को किस तरह का आचरण और किस तरह के वस्त्र और किस तरह के उसके जीवन की शैली होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से एकदम स्पष्ट हो गया है, तो वहां कहीं ऐसी चीजों का निषेध नहीं है। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिन बातों का हमें परहेज रखना चाहिए, तो उसका वही बात है जो दुर्गंध की बात थी, बाकी चीजों की बातें थी, उससे आप बचें। विशेष दिनों में ना रखें, बाकी समय में आप करते रहें। आप शालिग्राम 1 रखें 3 रखें 10 रखें 20 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी विचार इसलिए किया गया, पहले लोगों ने इसलिए कहना शुरू किया कि शालिग्राम घर घर तक हो जाए, हर घर में शालिग्राम स्थापित हो, हमारा स्वार्थ उसमें बढ़े नहीं, इसलिए कहा गया कि आप एक ही रख लो भाई, एक घर में बस एक शालिग्राम होना चाहिए और उसके ठीक से आप ध्यान रख लें। उस पर तुलसी मंजरी चढ़ाना है या उस पर रू मोगरा चढ़ाना है या रू मोतिया चढ़ाना है या जो भी रू चंदन जो भी आपने लेपन करना है इत्र का, बाकी चीज़ों का, फूलों का और उसके विधान का और पाठ का, तो इसलिए कहा गया कि भी सब घर घर में चला जाए। लेकिन अभी अगर आपके पास में अधिक भी है तो किसी को उपहार में दे सकते हैं और अधिक भी अपने घर में रख सकते हैं, कोई भी दोष उसका नहीं है, किसी के चक्कर में ना पड़े। मुझे अभी मेरी बात हो रही थी सोनिया से, सऊदी अरब से, अभी शायद वो हमारे साथ होंगी इसमें भी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग गलत तरीके से बताते रहते हैं, चैनलों पर बैठे हैं और उनमें गुरु भी हैं बने हुए हैं या क्या बने हुए हैं कि गुरु हैं भगवान जाने, और वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, इन चीज़ों में उलट पुलट करके लोगों को उलझाते हैं और वो चीज़ों को दूर करते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, मैंने लोगों को बड़े नज़दीक से देखा है, बहुत बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े गुरु, उनका ना पूजा पाठ से कोई गहरा संबंध है, ना किसी चीज़ से कोई लेना देना है। वो अपने माथे रंग करके बड़ी बड़ी मालाएं ऑक्यूपाइड करके और बहुत सारे गुरु बहुत सारे चेलों को इकट्ठा करके बस उन्होंने एक मजमा लगा रखा है। उनका स्वयं का अनुभव नहीं है कि किसी चीज़ को करने से क्या होता है। मैं बिना अनुभव के कोई बात आपको नहीं करता। मेरे आज भी 5 से 7 घंटे प्रतिदिन पारायण में पूजा पाठ से संबंधित, वैसे तो 24 घंटे ही चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन 5 से 7 घंटे मेरी सक्रिय रूप से नियमितता होती है इन सब चीज़ों में। मैंने सब चीज़ों को पिछले 20-25 सालों में जो किया है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप करें, उस तरह से देखें कोई क्या कर रहा है उसको भूल जाएं। आप अनुभव की कसौटी पर, अनुभव की प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति मिल जाए तो वो प्रभाव है, और अनुभव की प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर मुक्ति ना मिले तो स्वभाव है, और स्वभाव को हम दोहराते रहते हैं। तो आप अगर परमात्मा के प्रभाव का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप उन्मुक्त होकर के कार्य करें, और आप अच्छे से कार्य करें, आपका स्वास्थ्य भी तो ठीक होना चाहिए। आप अब इतने सारे मठों में बैठे हुए लोग सब बीमार हैं, मंदिरों में रहने वाले पुजारी बहुत बीमार हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि हमें हमारा खान पान कैसा हमें करना चाहिए, कौन सी एनर्जी कौन सी ऊर्जा का कैसे हमें संबंध स्थापित करना चाहिए, कैसे उसका संतुलन बनाना चाहिए। तो उसमें कोई दोष नहीं है, आप खाइए, कोई परमात्मा आपसे नाराज नहीं होंगे, उसकी गारंटी मेरी है, मैं कर लूंगा उनसे बातचीत, आप बेफिक्र रहें।
हाँ, जब आप अनुष्ठान करें, जब आप विशेष पाठ करें, जब आप लंबी सिटिंग करें, जब आप व्रत रखें, जब आप नवरात्र में हो, या बाकी चीजों में, तब इसका निषेध है। जब आप ना करें तब आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आप जब लंबे समय तक बैठेंगे तो इसके दोष दूसरी तरह के हैं जो अशुद्धि को पैदा करते हैं। हर तरह की सुगंध किसी चीज को आमंत्रित करती है। फूलों से निर्मित की गई रूहें, चंदन को जगाकर किए गए गी रूहें, धूप को जगाकर बनाई गई सुगंधें, अग्निहोत्र में अग्निहोत्र की गई संविधाओं से उत्पन्न और सामग्री से उत्पन्न खुशबुएं, हमारे जितने भी तरह की खुशबूदार चीज़ें हैं, उन सब खुशबुओं से कुछ पर्टिकुलर एनर्जी आकर्षित होती हैं। ऐसी दुर्गंध, मांस के पकने से उठने वाली दुर्गंध, मांस को घर में लाकर खाने से होने वाली दुर्गंध, शराब के मद्यपान को घर में करने से पैदा होने वाली दुर्गंध, शराब पीकर के काम करने से पैदा होने वाली दुर्गंध, मुंह में पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन करने वाले लोगों से मुख से उठने वाली दुर्गंध, उसकी विपरीत ऊर्जाओं को, एनर्जीज को आमंत्रित करती है, जो आपके लिए दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं, आपके लिए गरीबी को आमंत्रित करती हैं, आपके लिए बीमारियों को आमंत्रित करती हैं, आपके लिए कलह, क्लेश, दुख और कष्टों को आमंत्रित करती हैं, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपके जीवन को नकार की तरफ ले जाती हैं। जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं। तो जैसे कैंफर लैंप का जगाना, बाकी चीज़ों का, वो इसीलिए किया जाता है कि उसमें शुभ और अच्छी ऊर्जाएं जो आपके जीवन को ऊंचा उठाने में मददगार हो सकें, वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार हो सके, वो आपका साथ दें, आपका संग दें, और आप अपने जीवन में छोटी 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 चीजों से ऊपर उठकर एक अच्छा, समृद्ध, शांत, सुखी, निरोगी और मित्रता भरा, प्रेम भरा, आरोग्य भरा, प्रसन्नता भरा और संबंधों भरा जीवन जी सकें, ये इस चीज में मददगार होता है। तो ऐसा कर ले, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मंत्र के साथ बहुत सारे, देखो वेदों में बड़ा विधान आता है, वेदों के विधान में पर्टिकुलर देवताओं के लिए कुछ विशिष्ट मंत्र निर्दिष्ट किए गए हैं, कुछ विशिष्ट मंत्र लिखे गए हैं, उन विशिष्ट मंत्रों के साथ विशिष्ट औषधियों का प्रयोग वर्णित किया गया है, जिसे हम सामग्री के रूप में, संविधाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। उन मंत्रों का जब ऋषियों ने पारायण किया, उन मंत्रों को जब ऋषियों ने गाया, उन मंत्रों को जब ऋषियों ने लिखा और उनके साथ कुछ औषधियों का प्रयोग किया, उनके साथ कुछ सुगंधों का प्रयोग किया, उनके मंत्रों के साथ कुछ रूह का और इत्र का और खुशबुओं का प्रयोग किया, उनके साथ कुछ धुएं का और अग्नि की कुछ अलग अलग तरह की शिखाओं का प्रयोग किया, उनके साथ कुछ फलों का और फलों के रसों का और फलों से उत्पन्न और सब्जियों से, वनस्पति से उत्पन्न भोज्य पदार्थों का सेवन किया, तो कुछ विशिष्ट तरह के परिणाम प्राप्त हुए, जहाँ से सभी तरह के ग्रंथों की, सभी तरह की देशनाओं की, सभी तरह की विद्याओं की संरचना प्रारंभ हुई और उसने जीवन को अच्छा, सुखी, उन्नत और श्रेष्ठ बनाने में हम मददगार हो सके, ये इसका मूल है एक्चुअली, ये हमें समझना चाहिए। और उसी का अवलंबन पकड़ करके, उसी को ध्यान में रख करके जब आप आगे चलेंगे तो आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न भी खत्म होंगे और आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। अभयम् भजरे।